मित्रों नमस्कार, मैं द टेरेस गार्डन एक्सपर्ट चैनल से अजेंद्र। मित्रों, मैं लाया हूँ मार्केट से कुछ ये बास्केट्स। ये 5 बास्केट लाया हूँ मैं, आप देख सकते हैं 40-40 रुपए की। और नीचे मैंने इसमें कर लिया है होल, आप देख सकते हैं। तो बास्केट को हम किस तरह से तैयार करते हैं और उसमें कौन कौन से प्लांट लगाए जा सकते हैं, वही मैं आज आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो मेरे पास ये 5 बास्केट हैं, 4 और 1 5। और इसमें मैंने बना ली है ये मिट्टी। ये मैंने ली है 40% गार्डन सॉइल, 30% नदी की बालू रेत। वो इसमें मैंने किचन वेस्ट से तैयार अपने घर का लिया है 30% कंपोस्ट। और कुछ मैंने तैयार कर लिए हैं ये नारियल के छिलकों से चिप्स, छोटे छोटे टुकड़े नारियल के, क्योंकि मेरे पास कोकोपीट नहीं, इसी को मैं मिलाऊंगा, कुछ इसके नीचे रख दूंगा बास्केट के, और कुछ जो है मिट्टी में मिक्स कर दूंगा। तो दोस्तों, इसमें मैं क्या क्या मेरे पास प्लांट हैं जो लगाए जा सकते हैं। एक मेरे पास है पोर्चुलो का, एक बास्केट में इसकी लगाऊंगा। ये मेरे पास सिंगोनियम है, इसको लगाने का प्रयास करूँगा। कुछ मेरे पास मनी प्लांट है, आप देख सकते हैं, इसी में से मैंने कुछ एक कटिंग्स निकाल ली हैं, कुछ पौधे इससे छोटे छोटे पौधे निकाल लिए मैंने, और कुछ और निकाल लूँगा, देख सकते हैं। और ये मैंने सिंगोनियम, ये बेबी प्लांट जो साइड से उगाए थे, इससे निकाल लिए हैं सामने से। और एक ये है मेरे पास जेड प्लांट, एक बास्केट में जेड प्लांट की तैयार करूँगा। तो मित्रों, आज हम इन्हीं कुछ पौधों की बास्केट तैयार करेंगे। एक मेरे पास ये स्पाइडर प्लांट है, इसमें ये भी लगाऊंगा, आप देख सकते हैं। अब मैं ये तैयार करता हूँ मिट्टी, इसको मिक्स कर लेता हूँ। इस तरह से आप अच्छी तरह से इसका मिश्रण बना लेंगे मिट्टी का, बालू को और उसकी जो कंपोस्टिंग हमने तैयार कर रखी है किचन वेस्ट से, उसी को आप मिक्स कर लें। तो मित्रों, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये मैंने एक बास्केट ले ली है और इसमें ये मैंने गमले का एक टुकड़ा ठीकरी इस तरह कर्व वाली, इस तरह से गोलाई वाली एरिया से रख ली, ताकि ये इसका होल बंद ना हो। और इस पर मैंने ये कुछ नारियल के छिलके जमा लिए हैं, कुछ तो साइडों में इस तरह से लगा सकते हैं आप, ताकि मॉइस्चर बना रहे और ये बास्केट हल्की भी रहे। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट बास्केट लिए और इस पर भी वो गमले के एक ठीकरी रख देंगे, वो सपोर्ट के लिए कुछ और रख देंगे चाहें तो आप। और ये वही मैं नारियल के छिलके जमा लेने हैं, ताकि इसे मॉइस्चर कायम रहे। तो इस तरह से मित्रों, मैंने ये 5 बास्केट अपनी तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। 5 मैंने ये नारियल के छिलके और ठीकरी जमा लिए,
अब मेरे पास आती है सोयल, इसमें मैंने इसको मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा हम ताकि फंगस आदि ना लगे इसमें हम फंजीसाइड डाल देंगे। फंजीसाइड ना हो तो आप हल्दी का चूरा आदि या राख वगैरह चूल्हे की राख उसको डाल सकते हैं, उससे फंगस नहीं लगती है। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, और हम इसमें अब अपनी मिट्टी भर देंगे। ये सफिशेंट मात्रा में हमारी मिट्टी इतनी बास्केट को चाहिए भर दी गई है। अब इसी में मैं प्लांटेशन करूँगा मनी प्लांट का। मेरे पास ये मनी प्लांट के कुछ पौधे हैं, इसी से मैं कुछ कटिंग लूँगा कि मैं निकाल लिया हूँ। मैं ये दूसरे पौधों से कटिंग निकाल लाया हूँ, इसमें काफ़ी रूट्स हैं, ये रूट्स आ जाती हैं इसमें, तो इसी के साइड से हम कुछ प्लांट निकाल लिए हैं और इन्हीं को हम बास्केट में तैयार करेंगे। अब इस तरह से उंगली के सहायता से खोल कर लें और उसमें आराम से इसको बिना कुछ क्षति पहुँचाए फिक्स फिट कर दें। ये थोड़ा बड़ा पीस है लेकिन अच्छा लगेगा। तो आप दोस्त देख सकते हैं मैंने इस पर मैंने प्लांट लगा दिया है। इसको फिलअप करने के लिए अगर कुछ खाली जगह महसूस आपको होती है तो और एक्स्ट्रा मिट्टी डाल दें आप इसमें इस तरह से, और हल्का सा इसको फोक दें ताकि मिट्टी में सेट हो जाए। वो इसको हम ये तैयार हो चुकी है, इस तरह से इसको आप रस्सी बांध देंगे इसकी। इसमें ये फंसाने के लिए कांटा टाइप होता है, इसी में फंसा देंगे। अब ये बास्केट हमारी तैयार है। अब इसको आप मनचाही जगह जहाँ भी आपको टांगना हो टांग दें। देख सकते हैं आप फसका एकदम, और ये 15-20 दिन में बढ़िया प्लांट चल जाएगा, ये बास्केट भर जाएगी। इसी तरह हम लेंगे दूसरी बास्केट, इसमें मैंने वही ठीकरी और कोको फिर के छिलके भर लिए हैं, कुछ और एक्स्ट्रा छिलके आप कहूँ वो भर लें और इसमें मिट्टी भर लें। देख सकते हैं मिट्टी भर ली गई है। अब इसमें हम लगाएंगे 9 o'clock, बहुत खूबसूरत मेरे पास 2-3 रंग के 9 o'clock हैं। उन्हीं को मैं इसमें उगाऊंगा,
कुछ मैंने ये कटिंग ले ली है। जहाँ कहीं और आपको जगह लगे, गुंजाइश लगे कि वो लगाए जा सकते हैं, वहाँ और तोड़का लगा सकते हैं। ये वो इसका इतना बड़ा पीस 3-4 इंच का बहुत आराम से चल जाता है। आप तोड़ कर कहीं भी लगा लीजिए, ये आराम से चल जाता है। 15-20 दिन में ये हमारा गमला भर जाएगा। इसमें जोत के हिसाब से और आप मिट्टी डाल लीजिए ताकि इसकी जड़ें कवर हो जाएँ। और अब इनको हम देंगे पानी, इनके हम वाटरिंग कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, इसी तरह से नेक्स्ट हम और एक बास्केट तैयार करते हैं। मेरे पास है एक ये स्पाइडर प्लांट दोस्तों बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने बास्केट तैयार करने के पर्पज से छोटे से बेबी प्लांट से तैयार किए हैं और इसकी बास्केट बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। जो भर जाती है उसकी पत्तियां साइडों से लटकती हैं बहुत खूबसूरत। आप एक भी लगा सकते हैं, तीनों भी लगा सकते हैं। मेरे पास 3 प्लांट हैं, मैं तीनों ही लगा दूंगा। इस तरह से आप बाकी इसको जो है हमारे पास एक्स्ट्रा मिट्टी है, इससे आप फिलअप कर देंगे। थोड़ा सा बास्केट में जगह खाली रह गई थी। वो इसमें आप 100 बढ़ाने के लिए ये है सिंगोनियम की कटिंग, छोटे छोटे प्लांट मैंने साइडों से निकाले हैं। इस तरह से आप अलग कर सकते हैं। इसे एरियर रूट्स होती हैं, इन्हीं के साथ पौधा जो है ग्रोथ पकड़ेगा। ये आप लगा सकते हैं साइड में, पौधा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। ये आप मनी इसके साथ भी लगा सकते हैं, आप पोर्चुला के साथ देख सकते हैं आप। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैं तो आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट के साथ एक लगा सकते हैं आप, शिफ्ट कर सकते हैं और खूबसूरत लगेगी बास्केट। तो दोस्तों ये था मेरा बास्केट का किस तरह तैयार किया जा सकता है। आजकल बरसात का मौसम है, जुलाई का महीना चल रहा, तो आप भी अपने यहाँ कुछ बास्केट तैयार कर सकते हैं। जो भी पौधे आपके पास उपलब्ध हैं या नर्सरी से आप ला सकते हैं, इनको इस तरह से हम रस्सी के द्वारा रस्सी से फिट कर लेंगे। दोस्तों ये हमारी हो गई है बास्केट तैयार।
काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और दो हफ्ते बाद ये पौधे भर जाएंगे, ग्रोथ पकड़ जाएंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे। आप इसको मनचाही जगह रेलिंग पर या गेट बालकनी में या बरामदे में कहीं भी आप टांगें और अपने घर की शोभा बढ़ाएं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा और कुछ आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो कुछ भी लाभप्रद लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर और लाइक करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।